क्या तू कैसा गोल चाहिए, तू एक गोल नहीं रोक सकता, इतना बड़ा फुटबॉल है वो दिखता नहीं तुझे, तुझे गोल जी किसने बनाया, तू ऐसा ही खेलते रहा तो हम हार जाएंगे एक दिन। भाई हारे हुए को कौन हराएगा, तेरे को ऐसा मारूंगा ना मैं, तेरे बाल भी नहीं खींच सकता मैं। आपको क्या लगता है गोल रोकना जैसे क्रिकेट की फील्डिंग करने जैसा है? आप बन के देखिए गोल, तब पता चलेगा आपको। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, खरगोश की तरह कूदना पड़ता है। तो हमें भी तो मंजुलिका की तरह नाचना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। फुटबॉल खेलना नहीं आता, आ जाते खेलने, अगली बार प्रैक्टिस करके आना। अगली बार आप भी पेनल्टी की प्रैक्टिस करके आना, आपने भी तो कितने पेनल्टी मिस किए। वो तो मेरा काम है, मेरा नाम ही मेसी है, मिस करना मेरा पेशा है, तो एक बार पेनल्टी मिस हो गई तो क्या हो, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको तो सब जोक लगता है, लेकिन मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है आपको नहीं मालूम। फीफा देखने के लिए मेरे फूफा भी मुझे देखने आते हैं, अगर मैंने गोल मिस किया तो मुझे ड्रेसिंग रूम में चुप चुप के मारते हैं। हाँ फूफा जी को मेरा नमस्कार बोलना। क्या भाई आप तो गद्दार निकले, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा तो वो रोनाल्डो। तुम लोगों को मेरी पेनल्टी दिखती है क्या? वो कल रोनाल्डो ने भी मिस की पेनल्टी, तुम लोगों को उसका नहीं दिख रहा? अब तो ऐसे मुझे लगता है कि मेरे खोपड़ी में केमिकल लोचा हो चुका है यार, कोई बॉल पास ही नहीं करता मेरे पास, तो फिर गोल कैसे मारूंगा मैं? साला मेरे खोपड़ी में ऐसा कौन सा केमिकल लोचा हो चुका है, मैं मुन्ना भाई के सर्किट की तरह बन चुका हूँ। जैसे सर्किट को गांधी जी नजर नहीं आ रहे थे, वैसे मुझे बॉल नजर नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेसी के साथ? अगर लोंडा यहाँ भी हार गया तो जीतेगा कहाँ पे? पहली बार फुटबॉल पे ड्रेसिंग रूम बनाया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। और बताइए मेसी बेटर है या रोनाल्डो? मुझे तो मेसी बेटर लगता है, लेकिन रोनाल्डो भी ज्यादा बेटर लगता है, पर मेसी नहीं, रोनाल्डो